दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज एक ऐसे गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में जो भैया अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं ये क्वाइन में एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला भैया कि जो गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं आगे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखो गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत सारे हैं और अभी आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी में एक ट्रेंड चल रहा है गाइस, AI क्वाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉइन। जो अभी आप आगे टाइम में देखो भैया NFT का क्या रोल है, मेटावर्स का रोल है, ऐसी ही कॉइन के बारे में हमने ये कॉइन निकाला है, द सैंडबॉक्स कॉइन। आज देखोगे जो रैंक है कॉइन मार्केट कैप में 43 नंबर पर रैंक कर रहा है और इसका जो ओवरऑल डेटा लेके आया हूँ वीडियो में सब कुछ डिटेल से समझते हैं, क्योंकि ये कॉइन ने तो चलो प्रॉफिट दे दिया लेकिन आगे टाइम के लिए और कितना प्रॉफिट दे सकता भी है या थोड़ा डाउन मारेगा, देखो सब कुछ वीडियो में पता लगेगा। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो यार एक छोटा सा लाइक। चलिए गाइस सबसे पहले आप देखो सैंडबॉक्स को 24% का पंप यहाँ पे नज़र आएगा 24 आवर्स में और कहीं ना कहीं क्वाइन की जो अभी करेंट की जो प्राइस है INR में आप देखोगे 75-76 रुपये के आसपास है, लेकिन इसका ओवरऑल आप डेटा निकालो बेसिक से मेटावर्स प्रोजेक्ट है गाइज, लास्ट ऑल टाइम लो टच किया था 2 रुपये 2020 में, 2020 की करीब की बात है, 2 रुपये ऑल टाइम लो टच किया हुआ था और ऑल टाइम हाई इसका 625 रुपये गया हुआ है। तो सोचो अभी 87% नीचे है, कहीं ना कहीं मेटावर्स में अगर हमको जब लास्ट 1-1.5 साल से तो आइडिया था कि चलो मेटावर्स क्या चीज़ है और क्या आगे टाइम का इसका यूज केस होगा, उसके बाद भी हम 2 साल में अगर चाहते तो इससे भैया 3,500% या 4,000% प्रॉफिट आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि 2 रुपये की प्राइस पे आज 75-76 रुपये पे आप पहुंचा है और लास्ट और कितना ऑल टाइम टच किया भी है। देखो एक शॉर्ट तरीके से पंप आया है अब 24% का, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न निकलता है सऊदी अरब में, आपने देखा होगा मेटावर्स प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है सऊदी अरब ने मेटावर्स में द सैंडबॉक्स को, तो कहीं ना कहीं ये जो मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट सऊदी अरब ने एक्सेप्ट किया था सैंडबॉक्स का, तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ कि सऊदी अरब शायद मतलब कंट्री के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट का कोलेब्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो साइन पॉजिटिव करता है, क्योंकि वहाँ की भी ये पॉपुलेशन है जुड़ती है वो चीज़ें, कम्युनिटी बढ़ती है, क्योंकि आपने देखा वॉल्यूम देखो इतनी ज्यादा तेज है सैंडबॉक्स की, आप देखोगे 410% की वॉल्यूम भैया तेज जा पहुंची, मतलब एक जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि लोगों की जो बाइंग और सेलिंग कह सकते हो बहुत तेज है, तो अभी के टाइम पे तो भैया बाइंग लोगों ने कर ली है कुछ टाइम पहले ही जब ये अपडेट चल रही थी, लोगों को समझ में आ गया कि चलो यार द सैंडबॉक्स का टाइम आएगा और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होती है। इस क्वाइन के पीछे आप कमेंट सेक्शन में जाओगे कॉइन मार्केट में, कहीं ना कहीं लोगों का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आया, कुछ लोगों की प्रेडिक्शन की जा रही भैया कि लास्ट 2023 तक और भी बड़ा एक प्रॉफिट देगा, 200-250 डॉलर तक 200-250 रुपये तक जा सकता है उसके बाद में, और नेक्स्ट टाइम भी एक बड़ा सा बुल रन दिखाएगा, क्योंकि द सैंडबॉक्स की जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं 2,19,000 के आसपास जा पहुंची है, और वॉचलिस्ट आप देखोगे भैया 20-22 लाख लोगों की नज़र में कॉइन मार्केट कैप में, तो ओवरऑल जो हम समझ रहे थे द सैंडबॉक्स कॉइन को वो एक पॉजिटिव साइन तो ज़रूर करवा रहा है, लेकिन अभी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि बाइंग देखो आप 25% 26% टॉप पे करते हो तो यार थोड़ा रिस्क समझ में आता है। आप देख लो 14 तारीख का इन्फ्लेशन रेट भी आएगा, आपको कहीं ना कहीं देखो पॉवेल की स्पीच में तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट कम करने की बात कह दी है अभी कुछ टाइम पहले ही जो पॉवेल की स्पीच आई थी, लेकिन फिर भी 14 फरवरी को आपको क्लियर जो डेटा है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से क्या सीनेरियो होता है सभी बिटकॉइन इथेरियम का आप देखोगे, तो बिटकॉइन या इथेरियम का जो मार्केट समझ में आता है उस टाइम पे सैंडबॉक्स में एंट्री लगा दो, और कहीं ना कहीं अगर डीप आता है प्राइस, क्योंकि टॉप पे जाने के बाद एक टाइम आता है कि थोड़ा अपना कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में आके एक रेजिस्टेंस बनाता है, वहां पे आपको बाय करना है इस क्वाइन को, अदरवाइज ऐसी कुछ और बड़ी अपडेट तो आई नहीं है, लिस्टिंग वगैरह की कोई ऐसी अपडेट आई नहीं, हालांकि इसको बाय जरूर करना है और कहां से करना है OKX पे आप देख लो, क्वाइन मार्केट कैप में मार्केट वाले ऑप्शन में पूरा जो लिस्टिंग कहां कहां होगी इस क्वाइन की तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो यहां से बिल्कुल आप बाइंग करो, हालांकि एक छोटा अमाउंट बिल्कुल रखना है, मेटावर्स प्रोजेक्ट है फिर से कह रहा हूँ, और अभी की टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉइन को भी बहुत भर भर के फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आगे टाइम का इन्हीं का रोल चलने वाला है और ये सब बेसिक से आपको आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तब इनका यूज केस और बेसिक से ही समझ में आएगा कि भाई सच में इनका पोटेंशियल है, अरे आगे टाइम में ऐसी ही टीम के साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल करेगा, तो ये चीज़ हो जाती है गाइस द सैंडबॉक्स कॉइन की। हालांकि एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया
बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।